नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से किसानों को होगा खूब फायदा, हरी मटर को मिलेगा नया बाजार। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले बुंदेलखंड के लोगों के लिए दिल्ली और लखनऊ आना जाना आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इस एक्सप्रेसवे से किसानों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। बुंदेलखंड में पिछले 3 साल से काफी अच्छा हरा मटर हो रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार ये सबसे अच्छा हरा मटर उगाया जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होने के चलते उन्हें बढ़िया बाजार नहीं मिल पाता। एक्सप्रेसवे से पहले यहां सड़क संपर्क इतना अच्छा नहीं था, इसके कारण किसान स्थानीय स्तर पर ही अपने मटर बेचने को मजबूर थे। अब एक्सप्रेसवे बन जाने से बुंदेलखंड के हरे मटर दिल्ली तक आ सकते हैं। इससे किसानों को अपनी फसल का भरपूर दाम मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। सरकार की ओर से समय समय पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार फ्री राशन से लेकर आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं की घोषणाओं के पीछे सरकार का ये मकसद होता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समाज के बराबर ला सके। इसी बीच यूपी सरकार ने प्रदेश के 80,000 कोटे की दुकानों वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोटेदारों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की गई है। इन ऐलान के बाद वे आर्थिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत हो सकेंगे। इनमें से एक चीज का फायदा कार्ड धारकों को भी मिलेगा, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्ज्वला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन इत्यादि योजना से गरीब परिवारों को सरकार लाभ देगी। सबसे गरीब के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना, बिना गारंटी मिल रहा बिजनेस लोन। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गवा बैठे थे, छोटे व्यवसायियों का कारोबार चौपट हो गया, ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम लेकर आई। इसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार ने इस स्कीम को खासतौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया है, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आपको बता दें, सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है। इसके तहत उन्हें 10,000 रुपए का लोन मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिला स्वास्थ्य का उपहार, निजी अस्पतालों में करा सकेंगे 5 लाख रुपए तक का उपचार। सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम व लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को स्वास्थ्य का उपहार प्रदान किया है। अब इन्हें भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अपना उपचार करा सकेंगे। जिले में एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व 200 लोकतंत्र रक्षक सेनानी है। सरकार ने अब स्वतंत्रता संग्राम व लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया है, लेकिन उनके पूरे परिवार का गोल्डन कार्ड न बनाकर केवल पति पत्नी का ही बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने उनकी सूची तैयार करा ली है, शीघ्र ही अभियान चलाकर उनका गोल्डन कार्ड बना दिया जाएगा, ताकि वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर अपना निःशुल्क उपचार करा सके। उन्हें 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलेगी। सचिवालय में 1,000 खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द। सचिवालय में रिक्त चल रहे सीधी भर्ती के पदों पर जल्द भरा जाएगा। रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव यूपी लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। बताया जाता है कि सीधी भर्ती के करीब 1,000 से अधिक पद इस समय रिक्त हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों में समीक्षा अधिकारी के करीब 600 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के करीब 250 पद और कंप्यूटर सहायक के करीब 175 पद रिक्त हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता के संबंध में क्रमिक विभाग द्वारा 5 मई 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार ही रिक्तियों के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। योगी ने भूजल संरक्षण के लिए दिए सख्त निर्देश। 12,042 भवनों में से 697 में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था। राज्य में गिरते भूगर्भ जल स्तर से चिंतित सरकारें भले ही आदेश पर आदेश करती रहे, लेकिन उनको अमलीजामा पहनाने वाले बेफिक्र ही दिख रहे हैं। भूजल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के लिए नियम कानूनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब तक जिम्मेदार अफसर सिर्फ कागज की कश्ती ही चलाते रहे और बारिश का पानी यूं ही नाले नालियों में बहकर बर्बाद होता रहा। व्यवस्था में सतह में जमी का
इसका परिणाम ये है कि 12,000 से अधिक चिन्हित भवनों में से सिर्फ 697 में ही भू जल संरक्षण की व्यवस्था की जा सकी है। कई विकास प्राधिकरण तो ऐसे हैं जिन्होंने इस दशा में कोई प्रयास ही नहीं किया। प्राधिकरण परिषद के इस लापरवाही से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते जल संकट को देखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की हिदायत दी है। 300 वर्ग मीटर या उससे बड़े भवनों में वर्ष जल संचयन की व्यवस्था अब भी न कराने वाले भवन स्वामियों को जल्द नोटिस भी जारी किए जाएंगे। आने वाले दिनों में आपकी जमा पूंजी पर मिलेगा और ज्यादा रिटर्न। आरबीआई ने कहा बैंक इंटरेस्ट पर रेट बढ़ाने को मजबूर। आने वाले दिनों में बैंक में आपकी जमा पूंजी पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा रिजर्व बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन की मांग में तेजी आ रही है, उस रफ्तार से डिपॉजिट्स में उछाल नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में बैंकों को मजबूरी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कस्टमर्स को लुभाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सुधार की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है, महंगाई भी कम हो रही है और मानसून अच्छा रहने का अनुमान है, इससे ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण लोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट को लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि ट्रेड डेफिसिट में आ रही लगातार गिरावट पर नजर बनाकर रखनी होगी। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के नए मामलों में लगातार उछाल आ रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन 20,000 से अधिक कोरोना के केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 20,528 मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 2.4% अधिक है। इसके साथ साथ 39 लोगों ने कोविड की वजह से जान भी गंवाई है। आपको बता दें इसके साथ ही साथ 49 लोगों ने कोविड की वजह से जान भी गंवाई है। इससे पहले शनिवार को 20,044 जबकि शुक्रवार को कोरोना के 20,038 मामले सामने आए थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सबसे अधिक नए केस केरल में मिले हैं। यहां 2,871 मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में 2,382 मामले, तमिलनाडु में 2,340 मामले और कर्नाटक में 1,374 मामले सामने आए हैं। डाक विभाग करेगा फसल का बीमा, खेत मालिक ही नहीं बल्कि ये लोग भी करवा सकते हैं इंश्योरेंस। डाक विभाग ने किसानों की फसलों का बीमा करने की शुरुआत कर दी है। आपदा आने पर किसान के खाते में 72 घंटे में फसल नुकसान बीमा की रकम भेज दी जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम की शुरू किया गया है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत 16 जिलों में 5,500 से अधिक डाक कर्मियों को फसल बीमा योजना की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जरूरी नहीं खेत मालिक के नाम ही फसल बीमा होगा, बटाईदार भी फसल का बीमा करा सकता है। राज्य सरकार ने संभावित आपको बता दें कि राज्य सरकार ने संभावित फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए जुलाई में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया। कृषि विभाग ने प्रस्तावित अभियान में उन विकास खंडों को शामिल किया जिनका केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा कवरेज कम है। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से 70,000 घरों की बत्ती गुल। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इस कारण बिजली व्यवस्था भी चरमरा रही है। तेज हवा और बारिश ने बरेली में जमकर कहर बरपाया है। इस कारण कई जगह जगह बड़े बड़े पेड़ टूटने की घटनाएं हुई हैं। कई जगह बिजली लाइनों पर पेड़ टूटकर गिरने से और बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बरेली शहर के सिविल लाइन्स, रामपुर बाग, कुतुब खाना, डीडीपुरम और डेला पीर इलाके समेत दर्जन भर से अधिक स्थानों पर फॉल्ट के कारण बत्ती गुल हो गई। अनुमान के अनुसार शहर के लगभग 70,000 घरों की बिजली आपूर्ति आधी रात बंद रही। लोगों को उमस भरी गर्मी में ही रात गुजारनी पड़ी। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।